डॉक्टर शालिनी, मुझे आपसे कुछ कहना है। विवान मेरा बेटा नहीं है। What? मेरी फेल डिलीवरी के कुछ ही दिनों बाद कोई विवान को मेरे घर के बाहर छोड़ गया था और तब से मैंने विवान को अपना बेटा बना लिया, लेकिन विवान को ये बात नहीं पता है। और अगर उसे ये बात पता चल गई तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी डॉक्टर। Yes, I can understand. You don't worry. I promise you. आपका ये सीक्रेट मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा। You can trust me. Thank you. Thank you so much. विवान, देबू, तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया ना? स्कूल की बस आती होगी, विवान देर हो जाएगी। हाँ मम्मी, हमने नाश्ता कर लिया। लेकिन आप इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैं टिफिन सर्विस के पेमेंट लेने चली गई थी। फिर सोचा कि कुछ सब्जियां ही खरीद लूं। हाँ, लेकिन आपने शॉपिंग की तो सब्जियां कहाँ पर है? हाँ, सब्जियां, हाँ सब्जियां, वो सामान ज्यादा हो गया था ना, तो वेंडर ने बोला कि घर भिजवा देगा। बहू, विवान, देबू, तुम लोगों ने तनिषा और अभय को देखा क्या? नहीं दादाजी, क्यों, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे, उनके कमरे से ये चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है कि वो दोनों लंदन वापस जा रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस तरह अचानक कोई घर छोड़ के कैसे जा सकता है। बिन बुलाए भैरों पे गेस्ट होंगे तो ऐसे ही तुम दबाकर भागेंगे। अब वो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होगी ना दादाजी, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होंगे इसलिए बिना बताए चले गए। हाँ। अरे ये भी कोई बात हुई, ऐसे बिना बताए कोई घर छोड़ के जा सकता है, टिकट बुक करवा सकता है? मैं अभी बग्गे को फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक तो पता नहीं हमारी कौन सी बात से नाराज हो के वो दोनों अचानक कैसे चले गए, ये कोई खुशी की बात नहीं है। करुणा जी, अरे शालिनी जी, आप यहाँ? आप अपना फोन घर पे भूल गई थी। आंटी, आप तो रिंकू की मॉम है ना? यस, तुम्हें कैसे पता? हाय आंटी, मैं विवान। कल आप जब रिंकू को स्कूल से पिकअप करने आए थे ना, तब मैंने आपको देखा था। बाय द वे मम्मी, कल तो आप कह रही थी कि रिंकू और आंटी से मिलने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और आज किसी को बिना बताए आप आंटी से मिलने चले गए। वो विवान बेटा, मैं शुक्ला आंटी से पेमेंट लेने गई थी ना, तो ये उनकी नेबर है। सो So, मैंने सोचा कि इनसे भी पूछ लूं कि इन्हें टिफिन सर्विस की जरूरत तो नहीं है। Yes, right. But रिंकू को मेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। हाँ ठीक, वैसे ही जैसे तुम दोनों को मेरे हाथ का पसंद है। Well, nice to meet you again. और हाँ, टिफिन सर्विस ऑफर करने के लिए थैंक यू। ओके, बाय बेटा। मम्मी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो, नहीं सुनो। तुझे देर नहीं हो रही है स्कूल के लिए, बस आने वाली है, यूनिफॉर्म कब पहनेगा? टेस्ट है ना तेरा आज? ओ हाँ, चंडू के साथ स्कूल में मेरा क्लास टेस्ट का कंपटीशन भी है, तो जा ना। हाँ। करुणा जी को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है?
आखिर कौन सी बात है जिससे करुणा जी का दिल इतना बेचैन हो रहा है? बग्गा तुझे भी नहीं पता? मैं तुझे बाद में फोन करता हूं। क्या हुआ बहू? पापा जी, अपने ही बच्चे से नजर चलानी पड़ रही है मुझे। लेकिन हुआ क्या बहू? वो 12 साल बाद भारत नगर वापस आ गई। कौन? डॉक्टर शालिनी, गायनेकोलॉजिस्ट। बहू, मेरी सलाह है अब हमें विवान को सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं पापा जी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं विवान को कभी नहीं बता सकती कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं। जरा सोचिए पापा जी, अगर विवान को ये सच्चाई पता चल गई तो उसके नन्हे से दिल पर क्या गुजरेगी? बहू, जरा तुम सोचो, अगर इस सच्चाई का उसे कहीं और से पता चला तो उसका दिल कितना टूटेगा। अब तक मुझे लगता था कि आप महान हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपकी ममता के सामने सूर्य का तेज और चांद की शीतलता भी फीकी पड़ जाए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी बुरी ताकत भी आपको विवान से कभी जुदा नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। टेस्ट तो पोस्टपोन हो गया, पर मुझे नहीं लगता वो डरपोक चिंटू आज स्कूल आएगा। क्या हुआ चिंटू, इस काले चश्मे के पीछे अपने डर को छुपा रहे हो क्या? या फिर ये स्पेक्स पहन के जीरो से हीरो बनने की ट्राई कर रहे हो? मैंने चश्मा इसलिए पहने क्योंकि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन? इन्फेक्शन तो फैल सकता है, तुम्हें घर पे रहना चाहिए था चिंटू। वैसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल, फंगल या वायरल? ए टिंकू, अपना मुंह बंद रखना। मैं टिंकू नहीं हूँ, मैं रिंकू, मैं डबल ओ, और तुम मेरा मुंह क्यों बंद करने को बोल रहे हो? तुम्हें फ्लू तो नहीं हो गया? मास्क क्यों नहीं पहना तुमने? अरे साइलेंस! अरे यार विवान, क्या क्लास टेस्ट अलग और इसका टेस्ट अलग क्यों चलता है यार? चिंटू, इसका ये टैलेंट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने का, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारा टैलेंट है एक्स्ट्रा खाना खाने का। बाबू, खाने की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो, मैं यहाँ एक ऑफर के साथ आया हूँ। कौन सा ऑफर? दिवाली ऑफर, डबल बोनांजा ऑफर या फिर एक्सचेंज ऑफर? मेरा ऑफर ये है कि तुम्हारी जो क्लास टेस्ट वाली शर्त है ना, उससे तुम पीछे हट जाओ तो बहुत बुरी तरह हारोगे तुम। चिंटू, लगता है तुम्हारे आंखों के साथ साथ तुम्हारे भेजे में भी इन्फेक्शन हो गया। मैं वार्निंग दे रहा हूँ विवान, मैं क्लास टेस्ट के लिए फुल तैयारी करके आया हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है? मैं बताऊँ, मुझे तो पूरे 8 प्लैनेट्स का डिस्टेंस मालूम है। रिंकू, अभी हम चिंटू को चांस देते हैं पहले। विवान, अपना जरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। यही कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस? 384,300 किलोग्राम, किलोमीटर। दैट्स परफेक्ट।
ये बताओ कि इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया था? हाँ मैं बताऊँ रुक ना रिंकू, टिंटू का चांस है ना। टिंटू तू बता कि इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन। दैट्स परफेक्ट। इसलिए मेरा ऑफर है विवान कि तुम क्लास्टर्स वाली शर्ट से पीछे हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरी इंसल्ट होगी तुम्हारी। चिंटू तुमने 2-4 जीके के क्वेश्चंस क्या रट्टा मार लिए, तुम तो खुद को जीनियस समझने लग गए। लेकिन अगर तुम्हें इस शर्त से डर लग रहा है और तुम पीछे हटना चाहते हो तो पहले ही बोल दो। चिंटू सिर्फ खाली डिब्बे से डरता है। अगर तुम शर्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस है मेरे। चिंटू तुम कुछ ज्यादा ही फैलते जा रहे हो। खैर बताओ अपने न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी लास्ट टेस्ट में हारेगा उसे एक वीक तक अपने माथे पर लूजर लिखवा के घूमना होगा और जीतने वाले के डेली शूज पॉलिश करने होंगे। बोलो मंजूर है? चिंटू तुम अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहे हो। खैर मुझे ये शर्त मंजूर है। विवान ये चिंटू थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। फिकर नॉट चुतली, हम सलमान भाई के भक्त हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जाओ और जाकर धरती आकाश काल लोक वीर लोक वो औरत जहां कहीं भी छुपी हुई है उसका पता निकाल कर लाओ। एक पंछी के दम पे युद्ध जीतने चली हो तिमनासा, उम्मीद है तुम्हारी रणनीति में और भी दाव पेच होंगे। तिमनासा कभी एक हथियार लेकर रणभूमि में नहीं उतरती भैमार। तुम जाओ और जाकर अनन्या को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन अनन्या को इस वक्त मार देना ठीक नहीं होगा। रणनीति का काम मुझ पर छोड़ दो और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं कुछ नहीं करने वाली, बल्कि कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि विवान खुद उस औरत को लेकर मेरे पास आएगा। वो औरत मेरे कब्जे से भाग गई तो क्या हुआ, अब मैं खुद विवान की माँ को अपने कब्जे में लूंगी। फिर देखती हूँ कि वो किसे चुनेगा, नकाब पोश को या अपनी माँ को। आंटी कुछ चाहिए आपको? ये अनन्या कहां चली गई? मुझे पता था कि आप मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन मैं आपसे 2 स्टेप आगे हूं। मैंने मम्मी पर सुरक्षा कवच ऑलरेडी डाल रखा था। तुम कितने भी सुरक्षा कवच क्यों ना लगा लो विवान, लेकिन मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी ये धरती
सब खत्म हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ देखते रह जाओगे। अगर इस अंतिम और निर्णायक युद्ध को लेकर इतना कॉन्फिडेंस है तो इतनी रात गए मेरी मम्मी को कुकीज की तरह क्यों चुराने आई थी? विवान? हाँ मम्मी। क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मम्मी क्या हुआ ना, एक बहुत ही भयानक सा सपना देख लिया मैंने और अब नींद ही नहीं आ रही है। आ जा। टिम्मी आंटी, इस बार तो आपका एंड होकर ही रहेगा, वो भी टीम शाडो के हाथों। वाह, ये तो जैकपॉट ही लग गया। मैंने टीम शाडो क्या ज्वाइन की, तुम तो मुझे ड्रीमलैंड ले आए। ये ड्रीमलैंड नहीं, वीरलोक है। तिमनासा को तुम पर डाउट हो गया था और इसीलिए मुझे तुम्हें यहां लेकर आना पड़ा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। लेकिन चिंता मत करो, मुझे ध्रुव तारे पर सक्सेस मिल चुकी है। रॉली? यस, हमें ध्रुव तारे पर एक लेडी मिली है। लेडी? हेलो लेडी। आपको अपना ये चेंबर कुछ दिनों के पर अगर इन दोनों में माँ और बेटी का रिश्ता है तो क्या इसका मतलब यह है? जिस छुपी शक्ति के बारे में काल्लोक के साधु ने भविष्यवाणी की थी और जिस छुपी शक्ति को तिमनासा ढूंढ रही है वो अनन्या है। कहाँ थी तुम 8 साल की थी जब तुम्हें मुझसे छीन लिया गया था? मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं अपनी बेटी से कभी मिल पाऊंगी। उस तिमनासा ने मुझे कैद कर रखा था माँ, आपकी जिंदगी के बदले उसने मुझसे बहुत बुरे काम करवाए। उसने मुझे धरती पे जासूस बना के भेजा, लेकिन वहां पे मुझे एक दोस्त मिल गया और आज उस दोस्त की वजह से मुझे मेरी मां मिल गई।
अनन्या, थैंक यू, लेकिन इसमें कोई हक करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें थैंक यू से भी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। वैसे आंटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपनी बेटी वापस मिल गई। लेकिन क्या इसका मतलब यही है कि वो छुपी शक्ति जिससे तिमनासा का अंत हो सके वो अनन्या है? भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिमनासा का अंत उसके हाथों होना था। उस समय अनन्या 8 साल की थी। अगर अनन्या वो छुपी शक्ति नहीं है तो फिर वो शक्ति कौन है और कहाँ है जो तिमनासा का अंत करेगी? मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा।